जो है इसरो की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है जो इसके एनआरआरसी की तरफ से नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की तरफ से आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए रही है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे एलिजिबल होंगे जरूर से इसको अप्लाई कीजिएगा इसमें वेरियस पोस्ट है और इसमें जो फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए सैलरी आपकी अस्सी प्लस यहाँ पर रहने वाली है ऑल इंडिया से कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए तो सभी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करें तो जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा और बहुत सारे ऐसे टेक्निकल की नोटिफिकेशन आती है जिसको मैं इस चैनल के माध्यम से बताते रहता हूँ तो उसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए

ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग आप बीबीटेक नेक्स्ट वेकेंसी में भी अगर आप एम टेक e. कर रखें इन रिमोट एंड जीएस में या जियो इंफॉर्मेटिक्स और इक्वेलेंट स्पेशन में तो भी अप्लाई कर सकते हैं विध बी बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में होना चाहिए उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी जो है अगर आप बी बी टेक कर रखें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या जियो इन्फॉर्मेटिक्स और इक्वेलेंट डिग्री तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एम ई एम टेक इन रिमोट सेंसिंग एंड जी एस में होना चाहिए नेक्स्ट वैकेंसी अगर आप एम ई एम टेक कर रखे हैं इन रिमोट सेंसिंग एंड जी आई एस या जियो इन्फॉर्मेटिक्स विथ बी एस सी एग्रीकल्चर या फॉरस्ट्री या हॉर्टिकल्चर में कर रखें फोर्थ ईयर का तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे उसके बाद यहाँ पर अगर आप बीबी टेक सिविल इंजीनियरिंग में या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कर रखें एम ई एम टेक इन सिविल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन वाटर रिसोर्स या हाइड्रोलॉजी या इरीगेशन वाटर मैनेजमेंट में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद जो पोस्ट है यहाँ पर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट का पोस्ट है इसमें क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है अगर आप एम ई एम टेक इन रिमोट सेंसिंग एंड जी एस में कर रखें या जियो इन्फॉर्मेटिक्स में तो अप्लाई कर सकते हैं विथ बी बी टेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या जियो इन्फॉर्मेटिक्स और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन में कर रखें तो अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपको बी बी टेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन में कर रखें तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद एक पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट का जिसमें कि एम कर रखें इन रिमोट सेंसिंग या जी में या उसके साथ अगर आप बी किसी भी ब्रांच या किसी भी सब्जेक्ट से कर रखें तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद अगर आप एम ई e. या बी बी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या जियो इन्फॉर्मेटिक्स में कर रखें तो अप्लाई कर सकते हैं दो ईयर का इसमें एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंसन है अब बात करते हैं यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलो जे का यहाँ पर पोस्ट है जिसमें कि अगर आप यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेज में बी बी टेक यहाँ पर कर रखें सिविल ब्रांच में एग्रीकल्चर ब्रांच में एम ई एम टेक कर रखें तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिले बी एस सी एग्रीकल्चर में या एम ई एम टेक यहाँ पर रिमोट सेंसिंग या जी आई एस या जियो इन्फॉर्मेटिक्स में कर रखें तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर अगर आप एम एस सी एटमोस्फेयरिक साइंस और इक्वेलेंट स्पेशलाइजेशन विथ बी एस सी हैविंग फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से कर रखें तो अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट वैकेंसी आपको एम एस सी इन ओशियन ओशियनोग्राफी और इक्विवेलेंट कोई अगर क्वालिफिकेशन है आपके पास विथ बी एस सी हैविंग फिजिक्स मैथमेटिक्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप एम ई एम टेक एटमोस्फेरिक साइंस या केमिस्ट्री या अर्थ साइंस से कर रखें विथ बी बी टेक इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग से कर रखें तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बी बी टेक इन एनी ब्रांच ऑफ़ इंजीनियरिंग यहाँ पर भी अगर आप बी एस सी कर रखें हैविंग फिजिक्स एंड मैथेमेटिक्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर एम एस सी इन फिजिक्स उसके बाद यहाँ पर मेट्रोलॉजी उसके बाद यहाँ पर एटमोस्फेरिक साइंस विथ बी एस सी हैविंग फिजिक्स एंड मैथेमेटिक्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट से कर रखें तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं तो ये था इसका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल्स अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं और कौन से ब्रांच से आप डिप्लोमा किए हैं कौन से ब्रांच से आप बी बी टेक के या कौन से ट्रेड से आई टी आई के हैं जरूर से बताइएगा ताकि आने वाले जो वीडियोज होंगे आपसे रिलेवेंट आपको देखने के लिए मिलेगी इसमें जो अच्छी खासी आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी जो रिसर्च साइंटिस्ट का पोस्ट है लेवल टेन की सैलरी आपको मिलेगी छप्पन हज़ार एक सौ जिसकी बेसिक पे रहने वाली जिसमें टी ए डी एच आर ए सभी कुछ आपको मिलेगी तो अच्छी खासी आपको यहाँ पर सैलरी बन जाएगी जो कि सत्तर से लेकर के अस्सी हज़ार के बीच में स्टार्टिंग सैलरी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी आपकी जो डिग्री है ए या यू से रिकॉगनाइड या अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए तो यहाँ पर मेंशन है आपका डिग्री जो भी कॉलेज वगैरह है आप लोग जरूर से चेक कर लीजिए अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो फाइनल ईयर है सेमेस्टर में वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं है यहाँ पर मैंसन है ओनली पास आउट कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट नीड नोट टू अप्लाई तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो फाइनल ईयर है फाइनल सेमेस्टर में वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं है अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर बात करें एज लिमिट की कितनी आपकी यहाँ पर एज रहने वाली है तो कट डेट इसकी लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है और यहाँ पर जो अलग अलग पोस्ट है पोस्ट का नाम दिया गया उनमें और कैटेगरी के लिए 30, 35 यहां पर एज है ओबीसी के लिए इकतीस के बीच में एज है। और एस सी एस टी कैटेगरी के लिए तैतीस से लेकर के चालीस के बीच में एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है अब बात करते हैं इसमें चयन प्रक्रिया या सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है तो इसमें मेंशंस है कि जितने भी ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म फिल करेंगे उस हिसाब से यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि आपका इसमें इंटरव्यू होगा या तो एग्जाम्स होगा तो यहाँ पर मेंशंस है आप इसको देखें से देख लीजिए इन द इवेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर अ अर्टिकुलर पोस्ट मे कंडक्ट अ एनआरएस टेस्ट एट हैदराबाद फॉर द कैंडिडेट्स तो यहां पर टेस्ट के आधार पर भी हो सकता है इंटरव्यू के आधार पर भी हो सकता है तो जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म फिल करेंगे उसके अनुसार यहां पर देखा जाएगा अब बात करते हैं कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई जो है इसकी लास्ट डेट 8 अप्रैल 2024 तक रहने वाली है शाम के पांच बजे तक तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं ये इसका है, जहां से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं तो लिंक पर जैसे तो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर आपको आपको दिख जाएगा यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर पाओगे जैसे इस लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा तो इसमें जो भी डिटेल्स आपसे मांगे जाएंगे सभी कुछ आपको यहाँ पर फिल करना है तो लिंक मैं आपको में दे दूंगा उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली आप इसको अप्लाई कर पाओगे तो जहां तक जो भी मेन इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दिया फिर भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन डॉट क्वेरी अगर रह गया तो नीचे कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल से ज्वाइन होकर करिएगा आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज जो है आप सभी का चैनल यहाँ पर नब्बे की फैमिली यहाँ पर कंप्लीट कर चुका है इसके लिए मैं आप सभी को बहुत सारे थैंक यू यहाँ पर बोलना चाहूंगा और आप सभी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि जल्द से जल्द जो है चैनल हंड्रेड के कंप्लीट कर जाए बहुत सारे ऐसे के कैंडिडेट्स हैं जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहेंगी अगर आप लोग टेस्ट बुक पर अभी तक साइन अप नहीं किया टेस्ट बुक के बारे में आपको नहीं पता है तो आप लोग विजिट कर सकते हैं टेस्ट बुक पे यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स के एक्सपायरेंस है किसी भी जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं सेवेंटी प्लस यहाँ पर मुक टेस्ट मिल जाते हैं सेवेंटी थाउजेंड पर प्रीवियस ईयर पेपर के टेस्ट मिल जाते हैं यहाँ पर आप रीअटेम्प्ट कर सकते हो तो ये आपको मिलेगा सभी चीज़ एक जगह पर जो कि टेक्स्ट बुक है वहाँ पर आपको जाना होगा उसका अभी ऑफ़र चल रहा है उसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ऑफ़र लिंक से आप लोग डाउनलोड कीजिए अपना साइनअप कीजिए अगर आप पहले से आपके फोन में होगा तो वहां पर अप्लाई कूपन कोड दिखेगा उस पर जा करके आपको यह कूपन कोड अप्लाई करना है पी के ओ थ्री पी एल ये आपको कूपन कोड अप्लाई करोगे तो इंस्टेंट टेन परसेंट का वहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा किसी भी पास को अगर आप बाई करते हो टेस्टबुक का दो पास आता है एक नॉर्मल पास तो नॉर्मल पास में ओनली आपको मोक टेस्ट मिलेगा और पास प्रो अगर आप बाई करते हो तो यहाँ पर आपको ये सभी चीज अल्सो इसमें इंक्लूड होंगे ये सभी चीज़ आपको पास प्रो में देखने के लिए मिलेगा तो अगर आप लोग पी लगाना है तो आप लोग पास प्रो को आप लोग परचेज़ कीजिएगा अगर आप लोग पी नहीं लगाना है तब आप लोग नॉर्मल पास को परचेज कर सकते